की शिप के बारे में बार बार लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया हुआ क्या हुआ क्या। हम खुद भी सोच रहे थे कि भैया लगातार इतने अच्छे प्रमोशन चल रहे थे बेबी फ्लोकीशिप के, और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि भैया लगभग कितने दिन हो गए आज प्रमोशन बंद है लेकिन अब से वापस स्टार्ट हो गया है। उसके रीजन के साथ मैं सभी चीजों का खुलासा करने वाला हूँ, बट उससे पहले भैया वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सीधा बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले बता देता हूँ कि अपडेट यहाँ पर से निकल कर क्या क्या आए हैं। सबसे पहला कि बेबी फ्लोकीशिप जो गिव हुआ है इट इज डिलेड बट डोंट वरी वी विल फिक्स इट सून, वी विल रीच वन सेंट बिफोर शिबा। इनका फिर से कहना है कि एक सेंट हम शिबा इन उसे पहले जाकर बताएंगे और जो एयर ड्रॉप है बहुत ही जल्दी लोगों को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आज यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ और कल मिल गया, हो सकता है कोई गड़बड़ी वगैरह आ गई होगी उसकी वजह से यहाँ पर एयर ड्रॉप नहीं दिया गया होगा। उसके बाद देख सकते हैं लिखा गया है इट्स टाइम टू बाय एंड होल्ड, सो इट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय बेबी फ्लोकीशिप रिच, वी विल रिच वन सेंट बिफोर शिबा इनू, पेशेंस योर बिग सरप्राइज, पेशेंस यू बिग सरप्राइज होल्ड ओवर। मतलब यहाँ पर जो आप पेशेंस करेंगे भैया इसमें जितना ज्यादा होल्डिंग रखेंगे उतना तगड़ा सरप्राइज आपको लॉन्ग टर्म में भैया देखने को मिलता है। अभी इसको 2 महीने भी नहीं हुए हैं लॉन्च हुए, लेकिन ठीक है एक बार के लिए बहुत शानदार पंपिंग इसने दिया था। पहले दिन ही लगभग 20,000% इसने रिटर्न निकाल कर दिया था और उसके बाद में भी लगातार काफी दिनों तक स्टेबल रहा था। उसके बाद में भैया जैसे ही प्रमोशन बंद हुए धीरे 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 यहाँ पर यह गिरता गया। उसके बाद देख सकते हैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इनकी निकल कर आई कि बेबी फ्लोकीशिप इट्स टाइम फॉर ए न्यू टोकन फ्रॉम द बेबी फ्लोकीशिप इकोसिस्टम, सो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय बेबी फ्लोकीशिप टुडे। अब भैया इनका खुद का एक ऑफिशियल नया टोकन यहां पर बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। बेबी फ्लोकीशिप भी टीम की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि भैया आप इकोसिस्टम के लिए मजबूत बनाने के लिए एक पिलर को और खड़ा किया जा रहा है, नया टोकन बेबी फ्लोकीशिप का कभी भी यहां पर लॉन्चिंग है हो सकता है। तो बेबी फ्लोकीशिप का भैया टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है यह कॉइन एक बार के लिए डंप है, इसका मतलब यह नहीं होता कि भैया जो सेकंड टोकन होगा वो यहां पर भी डंप चला जाएगा। रिटर्न सबसे दिन पहले बहुत तकड़े तकड़े देते हैं और इस बार इनका कहना है कि भैया हम एंटी व्हेल सिस्टम लगाने वाले हैं ताकि बहुत बड़ी यहां पर कोई बाइंग एक साथ में न कर सके। और उसके साथ साथ में बताया कि भैया जो लिक्विडिटी है पिछली बार 3 BNB ऐड किया गया था, इस बार यहां पर आशंका है कि ज्यादा BNB लिक्विडिटी ऐड किया जाएगा ताकि स्लिपेज कम लगे, स्लिपेज कम लगेगा तो यहां पर स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी यहां पर बनी रह सकती है। और जिस प्रकार से भैया खबरें निकल कर आ रही है थोड़े थोड़े से जो र्यूमर्स है उनके हिसाब से भैया जो बाइंग पर टैक्स है मेरे हिसाब से 0% से लेकर 5% के अध्यगत यहां पर लगाया जा सकता है। उसके बाद में भैया बात करना चाहूंगा कि बेबी फ्लोकीशिप में देख सकते हैं बहुत शानदार बिड डिप चल रही है। अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एंट्री लेने का बहुत अच्छा अभी समय है। 100% बाइंग हो रही है, सेलिंग हो ही नहीं रही है। देख सकते हैं 24 घंटे में आपको बताऊं तो 24 घंटे में 6 बाइंग हुई है, 0 सेलिंग हुई है, कोई भी प्रकार की भैया सेलिंग नहीं है। धीरे 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 यहां पर यह बढ़ता नजर आ रहा है। अब भैया इनका कहना है कि हमने जानबूझकर प्रमोशन बंद करवाया, उसका बहुत बड़ा रीजन था कि भैया जो होल्ड करने वाले होते हैं ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए, अब शिबा इनू हमारा नीचे है, बेबी डॉज को नीचे है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भैया व्हेल्स होती है जो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने के लिए ही आती है, लगातार बड़े बड़े यहां पर बाइंग करके कॉइन को डंप करना चाहती है, तो जिस प्रकार से हमने भैया प्रमोशन बंद करवाया उसकी वजह से क्या हुआ, उनमें पैसा था नहीं और वो लगातार यहां पर कट लिए, सेल किया कट लिए, सेल किया कट लिए। उसकी वजह से क्या हुआ भैया, अब इसमें कोई बड़े ज्यादा बड़े होल्डर्स है नहीं, ज्यादा बड़े होल्डर्स नहीं होंगे तो भैया छोटे छोटे लोगों में कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। उसकी वजह से भैया अब इस कॉइन को कोई डंप करना चाहे तो भी यहां पर नहीं कर सकता है, बहुत ही कम ऐसे लोग बचे हैं, पहले ज्यादा थे, पहले की तुलना में भैया कम बचे, यह कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि भैया कोई भी व्हेल ना बची हो, छोटी छोटी छोटे मोटे इसमें छोटे मोटे व्हेल्स है लेकिन अब उतने ज्यादा नहीं है जो पहले थे। और इसी के लिए भैया इन्होंने कहा कि हमने कॉइन में कोई भी प्रमोशन नहीं कराया, सब कुछ हमने बंद कर दिया था, अब वापस यहां पर स्टार्ट हो गया है। तो डिप है, खरीदना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए भैया मेरे हिसाब से खरीद कर रख सकते हैं। मैंने खुद ने एंट्री लिया है, वापस यहां पर बाइंग और होल्ड सेलिंग में यहां पर करना स्टार्ट कर दिया हूं, सेलिंग तो नहीं सॉरी बाइंग करना यहां पर स्टार्ट कर दिया हूं। जो बाइंग पर टैक्स है भैया पहले 20% लग रहा था और अब मात्र भैया यहां पर 10% लग रहा है। तो ये थे हमारे सभी अपडेट अबाउट द बेबी फ्लोकीशिप और TRX जेम्स के बारे में। अगर आपको बताना चाहूं तो इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं, देख सकते हैं 23 बंदे मेरे अंडर में जुड़ चुके हैं और 325 TRX मेरा अर्निंग हो चुका है। एक बार भैया जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो दिया गया है जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है भैया। मैं खुद तो इन्वेस्टमेंट करके रखा हूं और मेरे जितने भी दोस्त है यूट्यूबर वगैरह या फिर कुछ भी फ्रेंड्स कजन सबने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, सब यहां पर अच्छा खासा कमीशन इससे कमा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।